जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। आज 17 जून 2021 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछला वीडियो यदि देखा होगा और कई पिछले वीडियो से मैं यह कह रहा हूं आपसे कि 15 से 20 जून के बीच आपका रिजल्ट आने वाला है इस पे अपडेट को, लेकिन इसमें कुछ डिले हुआ है। आइए बताते हैं वह क्या डिले है और कन्फर्म डेट यानी या आने वाले मतलब कुछ दिनों में कब तक रिजल्ट आने के चांसेस है, क्योंकि कुछ टीचरों से मेरी बात भी हुई है, साथ में पुनीत सर के द्वारा भी एक अपडेट दे दिया गया है आज के डेट में। बने रहिए वीडियो के एंड तक और समझिए कि क्या अपडेट है। सबसे पहले आप ये देखिए, पिछले दिनों का अपडेट है, हमने इस पे वीडियो नहीं बना पाए थे, आपको पता प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी साउंड वगैरह का मेरे बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम मार्च 2021 में महत्वपूर्ण सूचना आई है ईमेल के द्वारा। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि यह सूचना कहाँ से आती है, ऑफिसर साइड पे क्यों नहीं आती, तो मैं बता दूँ यह मेल पर आता है कॉलेज के, ठीक है, जहाँ से यह चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेषक जो भेजे गए हैं वो सचिव के द्वारा प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ और सेवा में सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज को लिया गया है। और दिनांक देख सकते हो 14 को यह आया था, ठीक है, तभी से यह मेरे पास भी आ गया था, बट मैं कहा चलो रिजल्ट वाला बताऊंगा तो उसी के साथ बता दूँ, लेकिन आज पुनीत सर ने भी एक अपडेट दे दिया तो मैं कहा इसके साथ ही बता देता हूँ। आप पहले विषय देखिए, यहाँ पे विषय में क्या कहा जा रहा है कि विषम सेमेस्टर की परीक्षा, ठीक है, या बैक पेपर परीक्षा स्पेशल बैक वाली हो, जो कि मार्च 2021 में संपन्न कराई गई थी, ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि जो लास्ट डेट बताई गई थी वह 10 अप्रैल 2021 तक सभी कॉलेजों के द्वारा कहा गया था करा लिया जाए, लेकिन उसी समय कोरोना अपना पैर बहुत तेजी से पसारने लगा, जिससे बहुत दिक्कतें होने लगी, जिस वजह से प्रैक्टिकल रोक लिए गए। तो यहाँ पे लगभग अगर बात करें ना रोकने की, लगभग 95,000 स्टूडेंट का लगभग रोक लिया गया था, इस वजह से रिजल्ट में आज देखने को डिले मिला है। साथ में आपकी जो कॉपियाँ का मूल्यांकन जो चेक इन हो रही है उसमें भी अभी इस समय बहुत तेजी से काम चल रहा है, ठीक है। इसको पहले बता देता हूँ फिर बताता हूँ जो मेरे सर से बात हुई है कुछ टीचरों से। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिनांक 4/6/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट, और यहाँ पे देखते हैं उपयोग विषय से आपको क्या करना है, प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराए जाने और जो प्रयोगात्मक अंक है यानी जो प्रैक्टिकल के आपको नंबर मिलेंगे उसकी ऑनलाइन फीडिंग के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है, निर्देश किया गया है। और परिषद द्वारा जो भी परीक्षा फल अंतिम चरण पर है, ठीक है, यानी आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। साथ में देखते हैं परंतु कतिपय यानी बहुत सारे संस्थानों ने, ठीक है, कोविड-19 के द्वारा जो भी दिक्कतें हुई उसके द्वारा क्या हुआ, प्रैक्टिकल कराने में असमर्थ हो गए, प्रैक्टिकल नहीं करा पाए, तो उसके लिए भी यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पे बताया गया जो भी आपके बैक हो, स्पेशल बैक हो, जो भी प्रयोगात्मक परीक्षा रही है वो भी राजकीय एवं सहायक प्राप्त संस्थान जो भी संस्था में जहाँ पर नहीं हुआ है वो किस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से कराया जाए। काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे पास भी सेंड कर दिया है, बताया उन्होंने कि उनके कॉलेज से नोटिस आ चुकी है, वह ऑनलाइन प्रैक्टिकल देंगे। हाँ, कुछ कॉलेज में नहीं हुए और नहीं दे रहे हैं तो वो लोग टीचर मैनेज कर लेंगे जैसे भी उन्हें करना होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को कोई डाउट वगैरह भी होता है तो आप लोग क्या कीजिए कि अपने टीचर से बात कर सकते हैं HOD से, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं सब कुछ ऑनलाइन, आपको यहाँ पे अंक वगैरह फीड करके हार्ड ऑनलाइन माध्यम से सब कुछ पहले फीड कर दिया, फिर हार्ड कॉपी वगैरह यहाँ पे पहुँचा दिया जाए, ठीक है, कहाँ पे संस्था स्तर मतलब वहाँ पे BTUP तक जहाँ पे उसका ब्रांच है, यहाँ पे मतलब मेन ऑफिस है वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। पहले भी कहा गया था, अब भी कर दिया गया, ये तो पुराना यूज से छोड़ो। यहाँ देख सकते हो सुनील कुमार जी का सिग्नेचर वगैरह देखने को मिला है, और यहाँ पे काफ़ी जो जनपद स्टेट और ज़्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिखा गया, देख सकते हैं सभी लगभग जितने भी जिले हैं 75 तक या जिसमें दो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो सब पूरे कॉलेज का नाम वगैरह सब कुछ लिखा गया। तो यह थी अपडेट, इस वजह से डिले आपको लग रहा 15 से 20 के बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि भाई आपकी जब इसलिए मतलब क्या जो प्रैक्टिकल अंक नहीं फीडिंग होंगे तो आपका नंबर तो नहीं आने वाले। और ये तो तब पता चला जब कुछ दिनों बाद पता चला कि अभी 95,000 स्टूडेंट का प्रैक्टिकल तक नहीं हुए, लगभग 50% कह सकते हो। तो ये थी अपडेट यहाँ से। अब देखो मैं दिखाता हूँ पुनीत सर के द्वारा क्या कहा गया। आप देखिए यहाँ पे पुनीत सर जो कि फेसबुक वगैरह पे ग्रुप है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस ग्रुप का यह नाम है, आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। ये देखिए 23 मिनट पहले पुनीत सर के द्वारा इसे लिखा गया है, लिखा गया उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन लगभग समाप्त हो चुका है, जो आपकी कॉपी चेक इन हो रही थी, ठीक। साथ में आपत्ति काल में धैर्य की आवश्यकता अनिवार्य है, यानी आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, धैर्य रखिए, आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा और परिणाम परीक्षारत है, ठीक है, यानी आपका परीक्षा के बाद आपका जल्दी परिणाम यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो टीचर से बात हुई, जिस टीचर से बात हुई वो क्या कर रहे थे, वो कॉपी चेक मतलब उनको जो काम मिला था वो बैक पेपर वालों जिसका भी बैक लगा था उसकी अंकों की फीडिंग कराना, ठीक है, ऑनलाइन फीडिंग कराना उनका काम था। तो उनसे मैंने पूछ लिया कि भाई सॉरी भाई नहीं सर बोल दिया, बट उनसे मैंने पूछ लिया सर बताइए कि कब तक हम लोग के रिजल्ट वगैरह आने को मिल जाएंगे, तो उन्होंने कहा तेजी से काम चल रहा है,
25 तक आपके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो अभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो इसी जून में ही देखने को मिलेंगे, उसके बाद क्योंकि बहुत तेजी से काम भी हो रहा है, उधर प्रैक्टिकल की फीडिंग वगैरह सब कुछ हो रही है, प्रैक्टिकल की भी अपडेट वगैरह आ चुकी है और आगे आपका एक ही मंथ के पहले आपका ये सब जनरेट भी करना, क्योंकि जल्दी रिजल्ट आएगा तो बच्चे 2-4 दिन 10 दिन जिसकी बैक लगी रहेगी वो तैयारी भी कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि रिजल्ट जून में ही आपको देखने को मिल जाएगा, हालांकि 15 से 20 जून हो सकता है आपको 20 तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हालांकि उस सर ने जो बैक कॉपी का फीडिंग वगैरह करा रहे थे वो तो 25 तक करा रहे थे, बट उसी के पहले ही आपको यानी जून में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए आप क्या करेंगे, अभी के लिए आप स्टडी कीजिए, क्योंकि एक मंथ आपके पास है टोटल, उसी में आपका एग्जाम वगैरह कराए जाएंगे, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं आपके इवन सेमेस्टर के, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 सेमेस्टर को, 6 सेमेस्टर का तो कन्फर्म ही है। आई होप आप समझ गए होंगे रिजल्ट की यह थी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलूंगा मैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।